एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज सामने आई है कि जो व्यक्ति 5 मिनट हर दिन भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करे, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, साथ ही जो आपकी ब्लड वेसल्स में जो टेंशन है ना, उस टेंशन को कम करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। साथ ही इस अभ्यास से आपकी जो कार्डियक मसल्स है उनको भी रिलैक्सेशन का मौका मिलता है। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम पर इस प्राणायाम का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, मानसिक तनाव को कम करने में, आपका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में, साथ ही एक गहरी प्रॉपर प्यारी नींद लाने में भी इस प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका मन भी सही होता है, शांत होता है, और साथ ही जो भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन है हमारे पूरे के पूरे शरीर में वो भी बैलेंस होते हैं। तो इतना ज्यादा लाभ होगा आप इस प्राणायाम का अगर अभ्यास करेंगे तो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। साथ ही इस प्राणायाम को करने से पहले एक मुद्रा जो है षडमुखी मुद्रा, उसको कैसे सही तरीके से लगाया जाता है वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट फेल हो जाना, हार्ट का ठीक तरीके से काम ना करना, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी की समस्या आजकल बड़ी कॉमन हो गई। पहले ये चीजें इतनी कॉमन नहीं थी, पहले हार्ट की कंडीशन जो है 50 साल 60 साल के बाद ही देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आजकल आप अभी फ्रीक्वेंटली न्यूज में देख रहे हैं कि 30-30 साल के लोग, 40-40 साल के लोग हार्ट की कंडीशन होती है। अब देखिए, ये जो हार्ट की कंडीशन है, ये हार्ट का प्रॉब्लम है, ये आज से 10-20 साल पहले इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है। और स्पेशली जो लोग बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, चाहे वो लाइक सेलिब्रिटीज हो, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्पेशली सेल्स के फील्ड में, यानी जिनकी टारगेट बेस्ड जॉब है, आईटी की फील्ड में जिनकी टारगेट बेस्ड जॉब है, और आजकल जो हमारा जो वर्किंग कंडीशन है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। हर एक चीज हमें टिप्स में चाहिए, हर एक चीज का रिस्पांस हमें तुरंत चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो कॉल हो, हर एक इंसान को हर वक्त अवेलेबल होना है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव स्ट्रेस। जब एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव स्ट्रेस आ गया तो जो हमारी नींद की क्वालिटी है ना, वो भी अच्छी नहीं रहती, हमें नींद भी कभी कभी प्रॉपर नहीं आती, और इस स्ट्रेस की वजह से उस डेडलाइन को मैच करने के लिए हमें कभी कभी 12-15, 18-18 घंटे तक काम करना पड़ता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो ये कंडीशन का जैसे कि मैंने मुख्य कारण बता दिया, सबसे पहला एक्सेसिव स्ट्रेस, दूसरा कि नींद का प्रॉपर ना होना, तीसरा खराब लाइफस्टाइल जिसमें कि खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, जो जरूरी पोषक तत्व है वो शरीर में पहुंच नहीं पाते, फिजिकली एक्टिव ना होना, एक्सरसाइज हर दिन ना करना, जो ये एक्सेसिव स्ट्रेस है। अब जैसे कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसी से हमारे शरीर का जो ताना बाना है वो चलता है, मतलब पूरे शरीर के कार्यकलाप है, चाहे वो दिल का धड़कना, फेफड़े से इनहलेशन और एक्सहलेशन होना, सारे के सारे सेल्स, टिश्यूज, मसल्स जो है इसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो चाहे वो डाइजेशन का होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ब्रेन इस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल करता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो हमारे तंत्रिका तंत्र के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का यहाँ पे काम आपको समझना जरूरी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी जो हमें एक एक्शन मोड में लाता है, किसी को किसी भी काम को करना या उस काम के लिए अपने अंदर एक ऐसा पॉजिटिव स्ट्रेस डेवलप करना ताकि वो काम हो जाए। ये वही स्ट्रेस है जैसे एग्जाम के पहले आना, एग्जाम जब हो गया तो आप रिलैक्स हो गए, किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन को दिया और फिर रिलैक्स हो गए, कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके पहले घर की साफ सफाई करनी है, वो फेस्टिवल आया और आप रिलैक्स हो गए। लेकिन वही अगर ये स्ट्रेस कंटिन्यूअस बना रहे और आप उस स्ट्रेस से बाहर ही ना निकल पाए, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हाइपर एक्टिव हो गया, वही जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो हमें रेस्ट करने का मौका देता है, रेस्ट और रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। अब अगर आप सिर्फ एक्शन मोड में रहे और आप रेस्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक रबर बैंड है, ठीक है। इस चीज को और अच्छी तरीके से करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक रबर बैंड है। अब देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम क्या हुआ कि हमें एक्शन मोड में लाना, इस तरीके से जब ये
रबर फैल गई, यानी हम एक्शन मोड में आ गए। और फिर इसको जब हमने धीरे 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 रेस्ट करने दिया, रिलैक्स करने दिया, यानी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम कर दिया, तो स्ट्रेच हुआ फिर रिलैक्स हुआ, स्ट्रेच हुआ तो रिलैक्स हुआ। तो ये जो रबर है ये अपनी इलास्टिसिटी नहीं खोएगा, यानी इसका जो लचीलापन है ये नहीं खोएगा। लेकिन अगर मैं इस रबर को सिर्फ और सिर्फ खींच के रखूं इस तरीके से, और इस रबर को खींचा ही रहने दूं, एक्सेसिव स्ट्रेच करूं, खींचती जाऊं और ये अपनी इसी अवस्था में रहे, तो एकदम तो नहीं लेकिन हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, कुछ सालों भर बाद जब इसको वापस से मैं छोड़ूंगी तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में, यानी जहां पर ये था वहां पर ये कभी भी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ये अपनी इलास्टिसिटी खो देगा। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन है, अगर इसको आपने स्ट्रेस दिया तो इसको रिलैक्स करना इज रियली इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस इज ऑल्सो गुड, लेकिन आपका स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूअस नहीं बना रहना चाहिए, आपको रिलैक्स करना चाहिए। तो स्ट्रेस आया रिलैक्स किया, स्ट्रेस आया रिलैक्स किया, अगर यही स्ट्रेस आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरे साल बना रहता है तो धीरे 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 करके बॉडी भी अपना गिव अप कर देती है। इसके साथ ही एक्टिव लाइफस्टाइल की अगर बात करूं तो बहुत से लोग एक्टिव लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज को समझते हैं कि जाके हम जिम ज्वाइन करें, लेकिन अगर ऑलरेडी आपको कार्डियक कंडीशन है, अगर आपको पहले भी ऐसे कोई कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, हार्ट अटैक की समस्या एक दो बार आ चुकी है, या ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप सोचे कि मैं जिम ज्वाइन कर लूं, आपने बहुत सी ऐसी न्यूज भी सुनी होगी कि ट्रेडमिल में दौड़ते जैसे अभी राजू श्रीवास्तव जी का अभी रिसेंट न्यूज आई थी, और एक दो और अभी न्यूज आई थी कि ट्रेडमिल में दौड़ते दौड़ते उनकी डेथ हो गई। लेकिन इसमें ट्रेडमिल का कोई भी कसूर नहीं है, बात यह है कि ऑलरेडी हमारी हेल्थ कंडीशन ऐसी है तो हमें ऐसे रिस्क जो है नहीं लेने चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको कंडीशन है तो पहले अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर जांच, और ये जो जांच है, जो आपकी शरीर की जो जांच है, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली कम से कम 6-6 महीने में एक बार अपने शरीर की जांच जरूर करवाएं अगर ऐसी कोई कंडीशन है, और डॉक्टर की सलाह लें, और जो जिम के ट्रेनर है उनको भी अपने बारे में पूरी तरीके से बता के रखें। सेफेस्ट ये होगा कि आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेस ना करें जिससे आपके हार्ट पे कोई प्रेशर आए, साथ ही अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप बहुत हद तक इन सब परेशानियों से बचे रह सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा, और ये वीडियो और मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ, बैठने की जो पोजीशन है वो बहुत कंफर्टेबल हो कि आप ऐसे बैठ जाएं क्रॉस लेग पोजीशन पे, यानी ऐसे पालथी मार के, ऐसे इस तरीके से। आप चाहें तो ऐसे फर्श पे बैठ जाएं, अगर फर्श पे ऐसे पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो आप आराम से कुर्सी पर भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एक चीज का ध्यान रखें, जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें तो कभी भी ऐसे झुक के ना बैठें, ऐसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे झुकी हुई ना हो, है ना। हमेशा इस तरीके से आप क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठें। क्रॉस लेग पोजीशन पे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको षण्मुखी मुद्रा सही तरीके से लगाना आना चाहिए। षण्मुखी मुद्रा आपके जो 7 डोर्स है इनको क्लोज करती है, 7 द्वार है इनको क्लोज करती है, बंद करती है, जिससे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया से आपके अंदर ना जा सके, और आपके अंदर जो भी आप एक्सपीरियंस, जो भी आवाजें आए आप उसको महसूस कर सके, उस झंझनाहट को महसूस कर सके। अब षण्मुखी मुद्रा लगाने के लिए आपकी हाथ की 10 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी 2 आंखें, 2 कान, नाक के दोनों छेद और मुंह, यानी 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इनको कैसे बंद करेंगे, हाउ टू क्लोज। अब अपनी इंडेक्स फिंगर की मदद से, ऐसे इंडेक्स फिंगर की मदद से अपनी आई लिड के ऊपर इंडेक्स फिंगर रखेंगे। अपनी जो मिडिल फिंगर है इसको हम अपनी नाक के बेस पर इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से, ताकि नाक बंद हो जाए। अपनी रिंग फिंगर को अपर लिप्स के ऊपर, लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स के नीचे, इस तरीके से, और अपने कान को अपने अंगूठों से, दोनों कानों को अपने अंगूठे से बंद करेंगे, इस तरीके से। अब देखिए, ये ध्यान रखिए कि कान को बंद करने के लिए बहुत से लोग ऐसे उंगली डाल देते हैं, इस तरीके से उंगली ना डालें, बल्कि ये जो बाहर की ये लिड है ना कान की, इसको ऐसे क्लोज करें, ऐसे,
ऊपर से जैसे कि ढक्कन लगा रहे हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने बोथ योर आईज विद इंडेक्स फिंगर, नॉस्ट्रिल विद द मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर अपर लिप्स, लिटिल फिंगर लोअर लिप्स, थंब टू द ईयर। अब ध्यान रखिए कि जो ये मिडिल फिंगर है इसे जो नाक को बंद करें, नाक को एग्जैक्टली ना बंद करें, सांस ले तो खोल ले और सांस छोड़े तो फिर उसके बाद उसको बंद कर ले, वरना फिर पॉसिबल नहीं होगा इसका अभ्यास करना। अपने लिप्स को क्लोज कर लें, लेकिन अपने जो दांत है ना, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े को एक दूसरे के साथ ना जोड़ें। अपनी टंग को अपर पैलेट से टच करें, कैसे, ऐसे, और फिर उसके बाद ना साउंड प्रोड्यूस करेंगे, पतली आवाज हमिंग बी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये सारी डिटेल देखने के बाद अभी मैं 5 राउंड्स भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास कर रही हूँ, और इस बीच हम बाहर का कोई भी सराउंडिंग से कोई भी आवाज को नहीं सुनेंगे। ये सारी की सारी जो भी वाइब्रेशन है हम इसको अपने माथे पर महसूस करेंगे, यहाँ पे फोरहेड रीजन पर जो कुछ भी हो, और उसके बाद फिर जब अभ्यास कर लेंगे तो अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप करके आंखों को सिर्फ बंद करके जितनी देर भी आप इस झंझनाहट के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं उसको महसूस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, अब चलिए अभ्यास करते हैं। तो अपने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को हमने प्लेसमेंट कर दिया और अपने कान को बंद कर लिया, टंग को अपर पैलेट से टच कर दिया, इनहेल किया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हमिंग बी का साउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, लास्ट वन, आंखों को बंद रखें और अपने हाथ को धीरे से घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ माथे पर रखें और कम से कम 10 से 15 मिनट शांत से बैठे रहें, और जो जो भी इफेक्ट हुए हैं, जो जो भी चेंजेस हुए हैं उसके इफेक्ट को महसूस करें। तो ये तो हो गया भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप भ्रमरी करें ना, बड़े ही आराम से, इत्मीनान से, सुकून से करें, आवाज जो है बहुत जोर जोर की ना निकालें, कैसे इस तरीके से नहीं, आराम से, ताकि ये आवाजों की जो वाइब्रेशन है इसको अपने फोरहेड रीजन पर महसूस कर सके। साथ ही इस अभ्यास को करते हुए थोड़ी देर बाद आपके में कंधे में दर्द हो जाए अगर, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर रुक जाइए, फिर उसके बाद फिर से शुरू कर लीजिए। इस अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, सोने से इमीडिएटली पहले ना करें, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस आए, क्योंकि आपकी ये झंझनाहट की वजह से आप और भी ज्यादा अलर्ट और एक्टिव महसूस करेंगे। इसके अलावा इस प्राणायाम का अभ्यास आप मिनिमम से मिनिमम, दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हफ्ते के 5 दिन मंडे टू फ्राइडे होती है, और सैटरडे संडे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है जिनकी मदद से आप क्लासेस कर सकते हैं।
ये अभ्यास करने से मेरे स्टूडेंट्स को उनकी हेल्थ कंडीशन में बहुत ही ज्यादा सुधार देखने के लिए मिलता है। और ये हेल्थ कंडीशन कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज हो, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, चाहे वो एंग्जायटी डिप्रेशन की समस्या हो, कार्डियक कंडीशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की समस्या हो, रात में नींद ना आने की समस्या हो, इन सारी समस्याओं से उनको उभरने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अब एक चीज और, अगर ये योगा क्लासेस आप सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ज्वाइन ना कर पाए तो मेरी वेबसाइट में जब आप विजिट करेंगे तो आपको वहां पे योगा फॉर बिगिनर्स का कोर्स और प्राणायाम मेडिटेशन का कोर्स भी मिल जाएगा। ये कोर्सेज जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्लासेस बिगिनर फ्रेंडली है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि मेरी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर लें, जो कि है www.yogawithshahida.com। या कि फिर अगर आप वेबसाइट नहीं जाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी डिटेल भेज दी जाए। तो देखा आपने, मात्र 5 मरतबा इस प्राणायाम का अभ्यास किया और उससे इमीडिएटली कितना लाभ हुआ। जब इमीडिएटली इतना लाभ हुआ तो इसको जब लॉन्ग टर्म में आप करते रहते तो आपको कितना ज्यादा लाभ होगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने आपको बताया किस तरीके से आप षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, किस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे ताकि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उससे आप उभर सकें और आपको बहुत सारा लाभ हो। अगर आप चाहते हैं कि जितना लाभ आपको मिलने वाला है आपके दोस्तों को भी हो तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे द्वारा अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अगली आने वाली वीडियोस आप किन किन टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, योग का अभ्यास निरंतर करते रहिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्ते।